नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका केपी लेगलिटी चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि पर्यवेक्षक का, यह है पृथक्करण दूरी। तो पृथक्करण दूरी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीज उत्पादन से संबंधित टॉपिक है, जो प्रमाणित बीज या आधार बीज जो भी उत्पादन किया जाता है उससे संबंधित यह टॉपिक है। बीज उत्पादन में आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की विभिन्न किस्मों के मध्य दूरी रखी जाती है, इसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। तो जो पृथक्करण दूरी है वो आधार बीज और प्रमाणित बीज दोनों के लिए अलग अलग रखी जाती है। जो आधार बीज होता है दोस्तों, उस पर सफेद रंग का टैग लगा होता है। कैसे रंग का टैग लगा होता है? सफेद रंग का। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली, सोयाबीन की पृथक्करण दूरी। तो दोस्तों देखिए, 3 मीटर होती है आधार बीज के लिए और 3 मीटर ही होती है प्रमाणित बीज के लिए। पृथक्करण दूरी कितनी होती है? 3 मीटर। गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली, सोयाबीन में 3-3 मीटर है जो पृथक्करण दूरी होती है। उसके बाद बात करते हैं चना, उड़द और मूंग। चना, उड़द और मूंग में पृथक्करण दूरी की बात करते हैं। तो देखिए जो चना, उड़द, मूंग है, तो देखिए चना, उड़द, मूंग में 10 मीटर होती है आधार बीज के लिए और 5 मीटर होती है प्रमाणित बीज के लिए। चना, उड़द, मूंग में पृथक्करण दूरी। इसके बाद अब बात करेंगे मटर में। तो मटर में 20 मीटर होती है आधार बीज के लिए और 10 मीटर होती है प्रमाणित बीज के लिए। अब बात करते हैं आपकी सरसों। तो सरसों में देखिए आधार बीज के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 50 मीटर पृथक्करण दूरी होती है सरसों में। बात करते हैं मक्का की संकुल व संकर किस्मों में। तो 400 मीटर आधार बीज के लिए, 200 मीटर प्रमाणित बीज के लिए। अब बात करते हैं संकर बाजरा। तो संकर बाजरा में 1000 प्रमाणित बीज के लिए, 200 मीटर सॉरी 200 मीटर 1000 मीटर आधार बीज के लिए और 200 मीटर प्रमाणित बीज के लिए होती है। अब बात करते हैं मूली शलजम। 1600 मीटर आधार बीज और 1000 मीटर प्रमाणित बीज के लिए होती है पृथक्करण दूरी। उसके बाद बात करते हैं गाजर में। 1000 आधार बीज, 800 प्रमाणित बीज। प्याज में 1000 आधार बीज, 400 प्रमाणित बीज। अब बात करते हैं संकुल ज्वार में। तो 200 मीटर आधार बीज और 100 मीटर प्रमाणित बीज। उसके बाद संकर ज्वार की बात करते हैं तो ये 300 मीटर हो जाती है और यहाँ पर 200 मीटर। कपास में बात करते हैं 50 मीटर और यहाँ पर 30 मीटर। तो ये प्राय परपरागित फसलें होती हैं जो अधिकतर जिनमें परपरागण होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका विशेष ध्यान रखें आप। और ऐसी और अधिक वीडियो के लिए केपी लेगरी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को भाई लाइक आप जरूर करें।